बच्चों, हम अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रा एवं साख के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह चीज है जिससे हम वस्तु का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे साख क्या है। साख जो है वह विश्वास होता है, जो कि एक कागज का टुकड़ा भी यदि कोई देता है तो भी हम उसे विश्वास के साथ उसको ले लेते हैं। यदि वह लिख कर देता है, चेक में देता है, तो हम उसे आसानी से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे साख और मुद्रा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। मुद्रा जो है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। मुद्रा विनिमय, विनिमय का एक माध्यम है। वही चीजें हैं जो चीजें मैंने अभी आपको बताया है कि मुद्रा के माध्यम से हम वस्तु को आसानी से हम विनिमय कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय होता था तो उसमें परेशानियां आती थी। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है शिल्पकार है या फिर एक किसान है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे उनको कोई चीज चाहिए है। अब जैसे किसान है, किसान को गेहूं के बदले में कपड़ा चाहिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कि कपड़े के बदले में गेहूं लेना चाह रहा है, या फिर शक्कर लेना चाह रहा है, तो भी उस ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो शक्कर के बदले में गेहूं लेगा या फिर कपड़े लेगा। मतलब इस तरह से ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती थी, उसमें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। और दूसरी समस्या ये आती थी कि हम जो है अभी जो मुद्रा के माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तु को हम बेच देते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु जो लेनी होती है उसे हम खरीद लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में यदि किसी व्यक्ति को वस्तु बेचना है या उसके बदले में लेना है तो उसमें नापतौल की समस्या आती थी, क्योंकि व्यक्ति के पास शक्कर यदि तो कम है, पता चला 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, और उसको वहां से गेहूं जो है 10 किलो लेना है, तो उसमें समस्या आती थी। हो सकता है वह गेहूं वाला जो है पूरा 1 बोरी बेचना चाह रहा है और शक्कर वाला जो है वह 10 किलो शक्कर लेकर आया हो। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुद्रा का होने के कारण यह जो है विनिमय आसानी से होने लगा, जिससे हम मुद्रा से जुड़े कई सौदे हैं जो पहचान कर सकती है। जैसे उस समय जो प्राचीन समय में जो मुद्राएं चला करती थी, पहले चमड़े के मुद्राएं भी चलती थी, चांदी का भी, तांबे का भी, मतलब इस तरह से धातु की मुद्राएं भी उस समय चला करती थी, जिसे कि सिर्फ एक सांचे में ढालकर और उसे चलाया जाता था और लेन देन किया जाता था। फिर आगे हम देखेंगे कि जैसे मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है। आप लोग देखते होंगे कि मुद्रा जो है हम सिक्कों के रूप में भी यूज करते हैं, नोटों के रूप में भी यूज करते हैं, चेक से भी यूज करते हैं। चेक जो है करेंसी जो होता है वह एक नोट होता है, लेकिन जो बैंक देता है तो वहां से हम चेक के माध्यम से भी हम विनिमय करते हैं, और फिर कई बार लेन देन जो होता है वह बैंक के माध्यम से, अब एटीएम के माध्यम से भी हम लेन देन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से मुद्रा के बहुत सारे आधुनिक रूप हैं, जैसे कि अब जो है चलन में पहले की तरह जो कई चीज मुद्रा के रूप में बहुत सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले जो होता था सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ करता था, और जो कि ये पिछली सदी में होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये जो है आधुनिक मुद्रा जो है बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों से नहीं बनी है, बल्कि ये पशुओं के द्वारा जो रोजमर्रा चीजें जो होती थी। आधुनिक मुद्रा इस प्रकार का है जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अब यहाँ देखेंगे भारत में सौदों की अदायगी जो है कैसे किया जाता है। व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ रुपया जो है व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। व्यक्ति जो है आसानी से उसको अस्वीकार नहीं करेगा, उसे वह लेना ही होगा। इस तरह से बैंकों में निक्षेप जो है उसके रूप में भी रखते हैं, जिसमें कि मजदूरों के अतिरिक्त जो है बहुत सारी चीजें आखिर, जैसे इसमें दोहन करने वाले मजदूरों का है, फिर उसके बाद फिर बैंकों में भी के पास सुरक्षित रहता है। बहुत सारी मुद्राएं जो है हम बचता है उसको हम बैंक में जमा कर देते हैं और बचत के रूप में वहां पर रहता है, और जब हमारी आवश्यकता होती है तो हम उसे निकाल लेते हैं। जिस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं चेक द्वारा भुगतान, हम यदि नगद नहीं देना चाहते तो हम चेक के माध्यम से भी हम भुगतान आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, चेक में कितना पैसे अदा करना है वह लिखा हुआ है, और आसानी से हम साइन करके उसको भुगतान कर सकते हैं। वह भी उसे मना नहीं करेगा, वह चेक को आसानी से ले लेगा। बैंक से ऋण लेने के लिए जैसे कि ये बैंकों की कहानी आगे बढ़ती है, जनता और धन के खातों स्वीकार करती है, इसे दिलचस्प क्रिया काम के रूप में कर रही है, और साथ ही साथ ये रकम जो है
एक छोटे से हिस्सा के रूप में हम अपने पास रखते हैं, बाकी जो है हम क्या करते हैं उसको बैंक में जमा कर देते हैं, जो कि हमें भविष्य में जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उस पैसे को निकाल कर खर्च कर सकते हैं। लेकिन बैंक के पास भी ये पैसा जो है एक कंटिन्यू जो है चक्र के रूप में चलता रहता है, क्योंकि जो हम जमा करते हैं वही बैंक जो है ऋण के रूप में दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और जो हमें ब्याज मिलता है जो हम जमा करते हैं उसमें जो ब्याज मिलता है वह ऋण के रूप में जो दूसरे व्यक्ति को देता है उससे जो ब्याज उसे मिलता है वही ब्याज जो है हमें कुछ परसेंट जो ब्याज जो मिलता है वह उसमें मिलता है। फिर जमाकर्ता को ब्याज मिलता है और उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। इस तरह से बैंक में जमा राशि का एक बड़ा भाग जो है ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कई गतिविधियों में उसकी मांग रहती है, और साथ ही साथ इसके बारे में कई खंडों में और बैंकों में जमा राशि को लोगों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल करती है, जिससे जमाकर्ता जो है जिन्हें राशि की जरूरत होती है वह कर्जदार होता है और जो जमा करने वाला होता है उसे जमाकर्ता बोलते हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जो हम जमा करते हैं उसी से बैंक क्या करता है उसको ऋण देकर, जो ऋण जिनको आवश्यकता होती है उनको वह ऋण देकर उनकी सहायता करता है। इस तरह से जमा कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। मतलब जो चीज़ हमने आपको अभी बताया था वही चीज़ है, जमाकर्ताओं को जो ब्याज दिया जाता है और जमा और ऋणकर्ताओं से जो ब्याज लिया जाता है वह एक उसके बैंक के जो आय का एक स्रोत होता है। फिर आगे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने और बीज, कीटनाशक, पानी, बिजली उपकरण इत्यादि काफी खर्च होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पर जो जमींदार होते हैं, जो साहूकार होते हैं, वह उनको ऋण देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी ऋण शर्तें अलग होती हैं, और इससे क्या होता है कि जो ब्याज उन पर बहुत ज्यादा उनके शर्तों के आधार पर हमको ब्याज लेना होता है, और इस तरह से गरीब किसान लोग जो है ऋण में दबते चले जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी वहाँ पर ब्याज की दर है, ऋणधार है, आवश्यक कागजात भुगतान तरीकों के रूप में सम्मिलित किया जाता है, और एक ऋण व्यवस्था दूसरी ऋण व्यवस्था काफी फर्क आ जाता है, जिसमें कर्ज की शर्तें जो है उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि इस तरह से वह किस तरह से, और उसके बाद ये देखेंगे कि ऋण की जो शर्तें होती हैं हर व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें जो अलग अलग होती है। यदि साहूकार ऋण देगा तो वह 10% ब्याज या फिर अपने आधार पर वह उस पर ब्याज लगाएगा, और उसे क्योंकि आवश्यकता है इसलिए वह उसको कर्ज ले भी लेगा और वह कर्जदाता के शर्त पर। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ से हम ऋण ले लेते हैं, एक परिस्थितियाँ होती हैं और हम उस हिसाब से उस कर्ज जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार किस्तें बांधवा लेते हैं और वह हम जमा करते चले जाते हैं। लेकिन साहूकार लोग जो है अपनी शर्तों पर ऋण देते हैं और उसके रूप बदले में वह कुछ ना कुछ ऐसी महंगी वस्तु या महंगी चीज़ें या फिर जमीन है, घर है, वह उसके रूप में बदले में जो है रखवा लेते हैं कि जब आप पैसे देंगे तब हम आपको आपकी वस्तु वापस करेंगे। इस तरह से इस मामले में ऋण कर्जदार ऐसी परिस्थितियों को ढकेल देते हैं जैसे कि उनको जो किसान रहते हैं उनको उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से जो है कर्ज को उतारने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, फिर या तो अपनी जमीन बेच देगा या फिर उस जमीन को बेचकर वह फिर काम करने के लिए बाहर चला जाएगा या फिर दूसरे पर निर्भर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हम एक तरह से यदि जो भी है तुलना जो है हम इस स्थिति यदि देखेंगे तो उससे परिस्थितियाँ खतरों और हानि से जो प्राप्त और सहयोग की संभावना जो है वह निर्भर करती है कि हम बैंक से किस तरह से ऋण ले रहे हैं। इस तरह से मुद्रा जो है हमारे लेन देन के लिए आवश्यक हो जाता है, और साथ ही साथ साख जो है एक तरह से कागज पर हम विश्वास करके किसी भी व्यक्ति से हम उस नोट को आसानी से ले लेते। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कई लोग विश्वास के कारण हमने नोट ले लिया और वह नोट कई बार नकली भी निकल जाता है, तो इस तरह से वह नोट ऐसा है जो कि हम विश्वास के आधार पर उस पैसे को हम आसानी से ले लेते हैं, और मुद्रा के माध्यम से भी विनिमय जो है आसानी से होने लगा है, लेन देन आसानी से हो जाता है, व्यक्ति जो है अब वस्तु को बेचकर उसके बदले में पैसे लेकर अपनी आवश्यकता की वस्तु आसानी से खरीद सकता है।